तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अगर आप एक YouTube चैनल स्टार्ट करना चाहते हो सो कैसे उसे अपने स्मार्टफोन पे बना सकते हो। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए। तो हेलो दोस्तों, मैं पपुन और आप देख रहे हैं टेकी विलेज। सो गाइस, आपको पता ही होगा एक यूट्यूब चैनल ओपन करने के लिए एक जीमेल आईडी होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले यूट्यूब ओपन कर लेना है, राइट साइड टॉप में जो आइकन है उसमें क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे योर चैनल का ऑप्शन मिलता है, उस पे क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पे चाहे तो आप अपना YouTube चैनल का नाम भी चेंज कर सकते हैं, मुझे चेंज नहीं करना है। तो उसके बाद जैसे ही आप क्रिएट चैनल पे क्लिक करेंगे आपका YouTube चैनल क्रिएट हो गया। तो गाइस ऐसे ही आप अपना YouTube चैनल क्रिएट कर सकते हैं और आप चाहे तो इस एडिट के बटन पे क्लिक करके आपका YouTube चैनल का नाम फिर से चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ फर्दर सेटिंग होती है जो कि आपको आपके YouTube चैनल पे करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको उसी ईमेल आईडी से साइन इन कर लेना है जिस ईमेल आईडी से आपने YouTube चैनल क्रिएट किया था। और यहाँ पे सर्च करना है YouTube.com सर्च करने के बाद राइट साइड टॉप कॉर्नर में जो 3 डॉट है उस पर क्लिक कर लेना है। और नीचे करने के बाद डेस्कटॉप साइट को अनेबल कर लेना है। डेस्कटॉप साइट को अनेबल करने के बाद जो काम आप लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप पे कर सकते हो वही काम आप मोबाइल पे भी कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं यूट्यूब पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद जो आइकन दिख रहा है राइट साइड टॉप कॉर्नर में उस पर आपको क्लिक कर लेना है और यहाँ से योर चैनल पे जाना है। नेक्स्ट योर चैनल पे जाने के बाद टॉप पे जो कस्टमाइज चैनल का ऑप्शन है वहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ से आप अपनी सारी सेटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको ब्रांडिंग के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से आप अपना प्रोफाइल पिक्चर बैनर एडिट कर सकते हो। और यहाँ से आपको अपलोड पे क्लिक करके जाना है गैलरी में और जिस भी फोटो को आपको प्रोफाइल पिक्चर देना है उसको क्लिक करके डन कर लेना है। जैसे ही डन पे क्लिक करोगे आपका प्रोफाइल पिक्चर अपलोड हो जाएगा। सेम उसी तरह बैनर भी अपलोड कर लेना। प्रोफाइल पिक्चर बैनर एडिट करने के बाद ऊपर एक ऑप्शन होगा बेसिक इन्फो का, वहाँ पे चले जाना। यहाँ पे आप अपना अबाउट सेक्शन एड कर सकते हो जो की हर एक चैनल का होता है, मेरा चैनल का आप देख सकते हैं। सो ऐसा ही कुछ आपके चैनल के बारे में लिखना है। तो सिंपली मैं मेरा वाला ही कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और नीचे में एक कॉन्टैक्ट इन्फो का ऑप्शन है जहाँ पे आप चाहे तो अपना ईमेल एड्रेस दे सकते हैं, तो कोई चाहे तो आपको कॉन्टैक्ट कर सकता है। और साथ में एक एड लिंक का ऑप्शन है, अगर इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक का लिंक या फिर कोई वेबसाइट है उसी का लिंक, मतलब कोई भी लिंक अबाउट सेक्शन में एड करना है तो सिंपली प्लेटफॉर्म का नाम लिख देना है और साइट में एक URL का ऑप्शन है वहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। ऐसे करके आप और भी प्लेटफॉर्म का लिंक एड कर सकते हो और मुझे नहीं करना, तो चलिए मैं यहाँ से सेव कर देता हूँ। तो सिंपली आपको यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक कर लेना है तो सारा डिटेल आपका सेव हो जाएगा। तो अगर आप यूट्यूब चैनल क्रिएट करते हो तो आपके यहाँ के ऑडियंस को आप अपना दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ले जा सकते हैं इस लिंक की मदद से। तो अभी आपको नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट नीचे में जो सेटिंग का ऑप्शन है उस पे क्लिक करना है और उसके बाद चैनल के ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे आपको अपना कंट्री सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं इंडिया सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद नीचे है कीवर्ड, तो यहाँ पे आपका चैनल का कीवर्ड देना है ताकि आपका चैनल सर्च लिस्ट पे आए। यहाँ पे आपको कीवर्ड देना है जो कि लोग लिख के आपके चैनल को सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल टेकी विलेज, विलेज टेकी, टेक विलेज, मतलब जो कीवर्ड लिख के लोग आपके चैनल को सर्च कर सकते हैं वो सब आपको यहाँ पे लिख देना है। तो अभी आपको जाना है लास्ट ऑप्शन फ्यूचर एलिजिबिलिटी में। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा चैनल वेरीफाई नहीं है, तो अगर आपका चैनल वेरीफाई नहीं है तो आप कस्टम थंबनेल नहीं लगा सकते, 15 मिनट से ज्यादा वीडियो अपलोड नहीं कर सकते, लाइव स्ट्रीमिंग नहीं कर सकते, कंटेंट आईडी क्लेम के ऊपर अपील नहीं कर पाओगे। तो आपको वेरीफाई मोबाइल नंबर पे क्लिक करना है और सिंपली अपना मोबाइल नंबर देके वेरीफाई कर लेना है। तो पहले क्रोम पे क्लिक कीजिए, तो यहाँ पे मोबाइल नंबर देके गेट कोड पे क्लिक करना है। तो आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा जिसको कि आपको यहाँ पे डालना है। OTP डालने के बाद सबमिट पे क्लिक करना है और आपका चैनल वेरीफाई हो जाएगा। और वेरीफाई होने के बाद बैक कर लेना और सेव के बटन पे क्लिक कर लेना, तो आपका सारा कुछ सेव हो जाएगा। तो अभी आपका चैनल सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। तो आपका चैनल बनने के बाद कुछ इस तरीके का दिखेगा। तो आप भी आप अपना YouTube चैनल क्रिएट कर लीजिए और वीडियो अपलोड करना स्टार्ट कर दीजिए। तो अब पैसे का क्या, तो जब आपके चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर एंड 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट हो जाएगा आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो गाइस, आप भी ऐसे YouTube चैनल बना सकते हो अपने स्मार्टफोन से। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर देना और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू आपको इस वीडियो को देखने के लिए। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में।